सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। हमेशा ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। सो आज मैं आप सभी को एक काफ़ी सुंदर जगह दिखाने वाला हूँ, जो कि पहाड़ों के बीच में है। वो क्या है क्या नहीं, आप सभी को ये वीडियो देखते रहोगे तो पता चलते जाएगा। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए चलते हैं। और गाइस, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ और भी दोस्त थे 4-5, तो मैं उनके लिए वेट कर रहा हूँ अभी। और गाइस, हम लोग जाने वाले हैं गाड़ी पे, ये गाड़ी पे। सो जहाँ तक गाड़ी जाता है वहाँ तक गाड़ी लेकर जाएंगे, और उधर पार्क करके जहाँ से हमें ट्रैकिंग करना होगा वहाँ से हम लोग ट्रैकिंग करना चालू करेंगे। तो गाइस, मेरा एक दोस्त आ चुका है जो कि है, हाय बोल लो मेरे व्यूअर्स को। सो गाइस, फाइनली हम लोग अभी निकलने वाले हैं, और मेरा एक दोस्त जैसे कि आ चुका है, और 3-4 दोस्त है जिसको मेरा एक दोस्त लेने गया है। सो उन लोग के लिए हम वेट कर रहे हैं, वो लोग आने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। सो गाइस, अभी मैं हूँ तेजू नाला पे, जो कि हमारा तेजू पे काफ़ी फेमस है। तेजू नाला जो कि ये है, काफ़ी सुंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी है ये। हमारा जो दोस्त लोग है वो लोग आने में देरी कर रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना तेजू नाला पे जाके ठंडी ठंडी हवाओं की मज़ा लेते हैं। सो हम लोग इधर आ गए हैं, सभी हम लोग अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं, जब वो लोग आएंगे तो फिर हम लोग निकलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया जगह। आज मतलब बढ़िया बढ़िया जगह मतलब पहाड़ों के बीच में एक मंदिर है, सो मैं वही दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। सो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, मज़ा आने वाला है आप सभी को। और गाइस, जो पहाड़ में जो मंदिर है उस पर जाने के लिए हमें बहुत ट्रैकिंग करना पड़ेगा, यानी कि पहाड़ों के ऊपर 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 बहुत चढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मेरा दोस्त है ये चढ़ पाएगा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है चढ़ पाएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम चढ़ पाएगा? हाँ बोलो तो। कोई शब्द नहीं, कौन ही। सो गाइस, अभी हमारा प्लान थोड़ा 50-50 चल रहा है, क्योंकि मेरा जो दोस्त लोग को लेने गया था, उनका गाड़ी है जो फंस गया अभी, तो अभी हम लोग उनकी गाड़ी को निकालने जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा गाड़ी फंस गया है, जैसे कि ये गाड़ी है जो कि काफ़ी बुरी तरह फंस गया है, देखिए मतलब चक्कर घुस गया है। सो अभी मेरा दोस्त ट्रैक्टर लेने के लिए गया है, ट्रैक्टर आने दो, अभी हमारा गाड़ी निकालने का कोशिश। हाँ देखो, उस साइड घूम रहा है ना। सो गाइस, फाइनली अभी हमारा गाड़ी निकल चुका है, क्योंकि ये और मेरा हालत कुछ ऐसा हो गया है। सो क्या करूँ, दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है, इसलिए पूरा जी जान लगा के निकाल दिया हूँ गाड़ी, और मेरे आने के साथ साथ गाड़ी निकल गया, तो मैं कितना लक्की हूँ आप लोग भी जानते हो। सारी तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। गाड़ी निकालने के बाद नतीजा ये हुआ है, जो कि काफी खराब है। सो गाइस, जैसे कि आज हमारा प्लान हो चुका है कैंसिल, तो मेरा दोस्त तुम क्या बोलना चाहते हो बताओ। बहुत घटिया दिन था, सुबह 4 बजे इसको गुड मॉर्निंग मैसेज करके अनोखी लगा है। क्या बढ़िया था। सो गाइस, जैसे कि हम लोग पूरा प्लान हो चुका था जाने के लिए, और मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी को कि मैं आप सभी को वो टेंपल नहीं दिखा पाया, पर ज़रूर हम लोग फिर जाने वाले हैं कल या परसों जब भी होगा। सो जब जाएंगे आपको तो ज़रूर दिखाएंगे। तो आज का प्लान हो चुका है कैंसिल, जैसे कि हमारा गाड़ी फंस गया, फिर ऐसा ऐसा, जैसे कि ये साइन है कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए शायद जो भी भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, वही सोच के आज का प्लान हो चुका है कैंसिल। तो अभी देखते हैं दिन में आज जो होगा उसी के ऊपर ब्लॉग बना देंगे और अपलोड कर देंगे। होप करता हूँ कि आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो ब्लॉग पे बने रहना। सो गाइस, वो टेम्पल तो नहीं दिखा पाया क्योंकि जैसे कि गाड़ी फंस गया, सो ये टेम्पल देख लीजिए और आप लोग अपना मन में जो है प्रे कर लीजिए, मैंने तो कर लिया है। तो गाइस, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने दोस्त के घर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने देखा हमारा प्लान हो चुका है कैंसिल, तो अभी मैं अपना दोस्त का घर आ चुका हूँ और हम हो गए हैं फ्रेश, तो अभी हमारा कुछ अलग प्लान चल रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं जहाँ हमारा प्लान बना हुआ था, ये तेजू का क्लॉक टावर। गाइस, ये है तेजू का एयरपोर्ट, देख लीजिए बाहर से। सो गाइस, मेरा एक दोस्त है जो कि वो भी ब्लॉग करना चाहता है, तो मैं अभी मेरा फोन उसे दे रहा हूँ, तो वो ब्लॉग करेगा, आप लोग एंजॉय करो। गाइस, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे प्यारा है तेजू का पार्ट का एक।
वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, तुम हमको मत सिखाओ। और गाइस अभी हम लोग फिलहाल पहुंच गए हैं लोहितपुर, जो कि ये है आईटीबीपी गेट। ये लोहितपुर का आईटीबीपी गेट है। तो अभी हम लोग एक जगह जा रहे हैं, काफ़ी सुंदर जगह है बोल के सुना है, तो देखते हैं कि सुंदर है या नहीं। पहले जाते हैं, फिर आप सभी को मैं दिखाऊंगा। अभी हम लोग चल चल के जा रहे हैं। सो गाइस मैं आप सभी को अभी एक बहुत सुंदर सा जगह दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा गाँव है, छोटा गाँव है। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, चलिए चलते हैं। गाइस अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो अभी जाने के लिए तो आसान है, पर आते समय तो बहुत फटेगा। अनुपमा कैसा लग रहा है तुमको, थोड़ा बताओ एक्सपीरियंस। क्यों क्यों, अरे तुम इतना मोटी हो गया, थोड़ा चल रही थे पतला होगा। कोगन का व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कितना घटिया जगह में कोगन, एक लात मारेगा तुमको। पहाड़ दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है। देखो इतना अच्छा जगह में लेके आया है इसको, तुम क्या घटिया जगह बोल रहे हो। व्यू पॉइंट इसको बोला था, उन लोग को समझ नहीं आया। वाह भाई वाह भाई, हम तो तेरा घर जाके इसको घर जाके उठा के लेके आया हूँ मैं, इतना मैं इसे वो करता हूँ, फिर भी ये खराब जगह लेके आया बोल रहे हैं। अबे साले, मैं अभी मेरे दोस्त को एक क्वेश्चन पूछूंगा। मेरा दोस्त अभी मजा आएगा ना भिड़ो, हम ही है बस, ये दोनों नहीं है। हाँ, तो तुम आज तुमको पूछ रहे ना, तुम बोलो ना। हाँ, तो मोहित बोल के एक लड़का था, उसका बाप का तीन बेटा था। तो एक का नाम था राहुल, एक का नाम था चावल, और एक का नाम क्या होगा, माहौल। क्यों, किसे माहौल होगा, क्या बात है। उसका बाप का बेटा, उसका मर्जी। मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। उसका बाप जो नाम रखे, हम तो तुम्हें नाम पूछ रहे हैं, तुम तो ये नाम तो तुम खुद दे दिया। मेरे लिए एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसका बाप है। नहीं यू आर रॉन्ग, हम बताएगा नाम, नाम है मोहित, क्योंकि हम बोला मोहित का बाप का तीन बेटा है, तो मोहित ही तो एक बेटा हो गया ना। तेज हो रहा है। गाइस हम लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर भी नदी हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। तो अनुपमा थक गया तुम, बहुत ज़्यादा थक गया। बंद करेगा तुम उसको। गाइस हम लोग पहाड़ के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, फिर भी हमें नदी नहीं मिल रहा, स्ट्रगल तो है भाई। गाँव ना बहुत अच्छा है, कोगन तुम लेकिन है अंदर से कितना चूतिया। Once more. है अंदर से कितना चूतिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। गाइस बहुत थक गए हम लोग जस्ट अभी पहुंचे ऐसा लोकेशन में, आईटीबीपी लोग भी है इधर, नहीं पता हम लोग को इधर बैठने देंगे कि नहीं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था, जो कि आप देख सकते हो काफी सुंदर जगह है। तो थोड़ा अच्छा नहीं है। हेलो गाइस, अभी एक कॉमेडी सीन हुआ, आईटीबीपी लोग था सामने उधर, कुछ नहीं पता लग गया। ये बढ़िया था। गाइस अभी एक कॉमेडी हुआ कि आईटीबीपी लोग था उधर, और जो मेरा फ्रेंड है अनमोल, उसका नाम अनमोल है रियल का, और ये नालायक का नाम खोगन है जो ब्लॉग करता है। वो आईटीबीपी लोग पूछा आपका नाम क्या है, वो बोलता है मेरा नाम अनमोल गोगोई, और अनमोल को पूछा कि अनमोल तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलता है कि अनमोल। थोड़ा फनी सीन नहीं था लगता है, लेकिन उस टाइम में बहुत हंसी आया था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। गाइस अगर ये ब्लॉगिंग करेगा तो मेरा जितना सब्सक्राइबर है वो भी चला जाएगा, तो प्लीज इसके बातों पे ध्यान मत देना। गाइस हम लोग सब लोग आगे आगे है, पर ये सबसे पीछे पीछे, ये मतलब मोटी होने का मतलब कि लॉस। तुम मोटा, इस बारिश आ गया, हमारे साथ छाता नहीं है, तो अभी उपाय देखिए हमारा जुगाड़। ओए हमको भी दो यार, हम भी भीजा। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। तुम ऊपर डाल दे, इतना खकुई है, पीछे खा खा के आ रहा है देखिए इसे, और हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, ये पीछे खा खा के आ रहा है। तुम इतना खकुई क्यों है बोलो ना, इसलिए इतना मोटी है। तुम जो स्कूल में जो टिफिन चोरी करता था, कैसा बर्बाद पहन चोर। अभी हम लोग जा रहे हैं आईटीबीपी कैंप के अंदर, बारिश के मौसम में।
सो गाइस मैं अभी फाइनली पहुंच चुका हूं अपने दोस्त के घर और आके फ्रेश हो गया और कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया। और जैसे कि आज आप सभी ने देखा कि हम लोग जाने वाले थे पहाड़ों के बीच में एक मंदिर पे, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग जा नहीं पाए कुछ रीजन से, जैसे कि गाड़ी फंस गया था आप लोगों ने देखा। पर मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को वो टेंपल दिखा सकूं मेरे अलग वीडियो पे। सो इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और जितना हो सके शेयर करना। मैं ट्राई करूंगा आप सभी के लिए अच्छा अच्छा व्लॉग्स अपलोड करने के लिए। होप करता हूँ आपकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, बस यही है। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही मजेदार व्लॉग के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय।